कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ रायबरेली पहुंच रहे हैं। वो भुएमऊ में अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयोग भी पहली बार कर रही है और इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का दशकों से नाता रहा है, लेकिन चुनाव परिणाम जारी होने के हफ्ते भर के बाद आभार कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इसे राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने के प्रबल संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राहुल अपनी इस यात्रा में ये सीट रखने का संकेत दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि राहुल रायबरेली के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 6 सांसद चुनकर आए हैं और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो 6.36% से बढ़कर 9.46% तक पहुँच गया है। वहीं प्रयागराज और सहारनपुर में करीब 40 साल बाद कांग्रेस का खाता खुला। रायबरेली से राहुल गांधी को 66.17% वोट मिले हैं, जबकि साल 2019 में सोनिया गांधी को यहां पे 55.80% मत मिले थे। तो अमेठी में साल 2019 में जहां राहुल गांधी को हार का सामना भी करना पड़ा था, वहीं इस बार गांधी परिवार के सिपा सलार किशोरी लाल शर्मा 11.03% वोट बैंक के बढ़त के साथ 54.99% वोट बैंक हासिल कर विजयी हुए और अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की सक्रियता इसी तरीके से बनाए रखना चाहती है। ये आभार कार्यक्रम भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहने का संदेश देंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाएंगे, उन्हें भविष्य की सियासी तैयारी के लिए भी बूस्टर डोज देंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के नेता एक दिन भी बैठेंगे नहीं और भविष्य की तैयारी शुरू हो गई है। भुएमऊ गेस्ट हाउस में होने वाले आभार समारोह में राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, अमेठी सांसद केएल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए वो एकजुटता का संदेश देंगे। साथ ही ये भी व्यक्त करेंगे कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हर स्तर पर तत्पर रहेगी। इससे पहले अमेठी में पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में सांसद किशोरी लाल शर्मा पार्टी नेताओं का आभार जता चुके हैं और उन्होंने अमेठी और रायबरेली के लोगों से अपने रिश्तों की दुहाई दी और चुनाव जीतने के लिए आभार भी जताया। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये जो दावा है कांग्रेस का कि वो आगे चुनाव की तैयारी करती रहेगी, तो एक धन्यवाद यात्रा भी कांग्रेस निकालने वाली है, लेकिन आज राहुल का रायबरेली पहुंचना ये संकेत माना जा रहा है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे ना कि रायबरेली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।